हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मैट्रिसेस पे लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर वन में हम लोगों ने मैट्रिसेस को काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया है। एक है कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। सो आई होप कि आप सब लोगों ने लेक्चर नंबर वन बहुत अच्छे से देखा होगा और आई होप कि आपको सारा कंटेंट बहुत क्लियरली समझा होगा। अगर कोई बच्चा आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा है या मैट्रिसेस का आज वो वीडियो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखते हुए डायरेक्ट सेकंड देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर वन देखें और देन उसके बाद आप मैट्रिसेस के आज का सेकंड लेक्चर देखें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और आपको भी एक फील आएगी कि आपका चैप्टर बहुत डिटेल वे में और स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि, और सिर्फ मैट्रिसेस नहीं, कोई भी अगर आप मेरे कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपने ये ट्राई करना चाहिए कि आप उस चैप्टर को फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो लेक्चर से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स तक देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक मान लो एक मैट्रिक्स ए दिया है 2, 2, 2, इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एक और दिखा देता हूँ, लगे तो 3, 3, ठीक है। देखो ये डायगोनल, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। आई होप कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है। और ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी जीरो होने चाहिए। देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है और सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो होगी इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ये जो मैंने आपको लिखा कि ये है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अगर मुझे स्केलर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स फॉर्म की डेफिनेशन देखनी है तो कैसे लिखा जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए ले लो आप, जिसमें एलिमेंट ए आई जे होंगे और उसका ऑर्डर एम बाय एन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या बता रही है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगी कि एक मैट्रिक्स है, लेकिन मुझे क्या बताना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम और एन कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एम और एन इक्वल। तो एम और एन इक्वल जैसे आपने बोल दिया, तो आप ये बोलना चाहते हैं कि ऊपर वाला मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऊपर वाला कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर हमें ये बताना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सबके सब कैसे जीरो है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे दिखाते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे एलिमेंट जीरो होने चाहिए जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब आई और जे इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको आई के बारे में पता, आई क्या बता रहा है, रो नंबर। आई क्या बताता है, रो नंबर। जे क्या बता रहा है, कॉलम नंबर, ठीक है। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट की पोजीशन पूछूं तो इसकी पोजीशन क्या होगी, A11, इसकी पोजीशन A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अगर आप डायगोनल एलिमेंट को देखो तो उसमें I और J की पोजीशन कैसे सेम है, I और J सेम है, लेकिन बाकी इसमें देखोगे तो I और J इक्वल नहीं है। तो जहाँ पे I और J इक्वल नहीं होते हैं उन एलिमेंट्स को हम डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट कहते हैं।
और जहाँ पे ए आई जे की वैल्यू कोई नंबर होना चाहिए, अब वो नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन जनरल मान लो वो क्या है, के है। तो इसको मुझे पता नहीं कि ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट की क्या कंडीशन है कि आई और जे इक्वल होता है, देखो a11 a22 a33। तो ये होगी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इन मैट्रिक्स फॉर्मेट, ठीक है। और ये होगी थियोरेटिकल डेफिनेशन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की इमेज होगी या किस तरीके का उसके पिक्चर होगी स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए और सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट वन होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के लिए एक खास लेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे हम मैंने आपको क्या कहा कि आप किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आई का ही यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर आई देखो, समझ जाओ वहाँ पे बात किसकी हो रही है, यूनिट मैट्रिक्स की हो रही है। तो क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, 1 1 1, देखो डायगोनल एलिमेंट सभी 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। 1 1 0 0, ये सभी का सभी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप इसके डेफिनेशन देखना चाहिए, ये तो थियोरेटिकल डेफिनेशन होगी, अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म वाली डेफिनेशन देखनी तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए ए आई जे जिसका ऑर्डर एम बाय एन। तो सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि एम और एन इक्वल होना चाहिए। एम और एन इक्वल का मतलब ऊपर वाला मैट्रिक्स क्या बता रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, सभी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, जिसमें बोलना होगा कि आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट वन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, ए आई जे इज इक्वल टू 1, आई और जे इक्वल होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे। तो ये अच्छा, ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन, किसके डेफिनेशन, यूनिट मैट्रिक्स की, कौन से फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मैथमेटिकल वे में। और ये होगी डेफिनेशन मैट्रिक यूनिट मैट्रिक्स की, कौन से फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक है। बात समझ में आए, ओके। आई होप कि आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यूनिट मैट्रिक्स भी बहुत क्लियर कट समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको ध्यान से देखो। पहले एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये हो गया मान लो डायगोनल एलिमेंट, तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे वाले सभी के सभी एलिमेंट जीरो, ठीक है।
ठीक है, ये कौन से एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो डायगोनल के नीचे में देखो यहाँ पे ना उल्टा है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले एलिमेंट जीरो ना, हमें उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाले चाहे जीरो हो चाहे जीरो ना हो, लेकिन अपर ट्रायंगुलर के लिए डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर के लिए 1 2 डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसमें रिवर्स वे में है, उल्टा तरीके से। अब बात आती है कि ठीक है, थ्योरेटिकली वे तो समझ में आ गया, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स होना चाहिए ए आई जे जिसका ऑर्डर एम बाय एन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि एम और एन इक्वल होने चाहिए, एम और एन इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से देखना, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। अब ये कैसे बताएं कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को कैसे बताएं, अब ध्यान से देखना, इसकी पोजीशन क्या है, 2 1 है, 2 1, इसकी पोजीशन क्या है, 3 1, इसकी पोजीशन क्या है, 3 2। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आई हमेशा जे से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा, आई हमेशा जे से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो मुझे यहाँ पर सेकेंड कंडीशन ये ऐड करनी पड़ेगी कि ए आई जे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ए आई जे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट को दिखाने के लिए ये बोलना ज़रूरी है कि जिसमें आई और जे, आई जे से ग्रेटर होना चाहिए। आई क्या होना चाहिए, जैसे जैसे ही आप बोल रहे हो कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और इसमें ये आप मेंशन कर रहे हो कि आई के लिए जे से ग्रेटर है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो ये शो करेगा कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो फिर लोअर ट्रायंगुलर कैसे दिखाए, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स दिखाने के लिए मुझे एम और एन इक्वल बोलना पड़ेगा, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट आएगा ए आई जे जिसका ऑर्डर होगा एम बाय एन। तो मुझे सबसे पहले स्क्वायर बताने के लिए इसे बताना पड़ेगा कि एम और एन के वैल्यू इक्वल, एम और एन के वैल्यू इक्वल। अच्छा, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कैसे शो करें, तो इसको ध्यान से देखो, ये ए 1 2 है, ये ए 1 3 और इसकी पोजिशन ए 2 3 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आई की वैल्यू यहाँ पे जे से स्मॉलर है, मतलब मुझे ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर कि ए आई जे एलिमेंट जीरो होने चाहिए जिसमें आई जे से स्मॉलर हो। अगर आई जे से स्मॉलर है तो आप बात कर रहे हो कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट की, अगर आई जे से ग्रेटर है तो आप बात कर रहे हो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट की। तो इन मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हालांकि ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो ज़रूरत गिरेगी। हाँ, स्टेट बोर्ड वालों को यूज़फुल है ये, कि स्टेट बोर्ड वालों के सिलेबस में है अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, बट एनसीईआरटी वालों के सिलेबस में नहीं है। बट नॉलेज गेन करने के लिए आप ध्यान में रखो कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इसका आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट है जीरो मैट्रिक्स, जीरो या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स, फिर चाहे वो स्क्वायर हो या चाहे स्क्वायर ना हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें सभी के सभी एलिमेंट जीरो है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हर एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा। आगे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है ना,
जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी एम एन पी क्यू, ठीक है। अब इन मैट्रिक्स को ए इज इक्वल्स टू बी होने के लिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये जो मैट्रिक्स मान लो इसका ऑर्डर है एम बाय एन और इसका ऑर्डर है पी बाय क्यू, तो इन दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर ए इज इक्वल्स टू बी। यानी ए और बी इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब एम और पी इक्वल होना चाहिए, एम और पी इक्वल होना चाहिए और एन और क्यू इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर क्या है फिलहाल, फिलहाल इसका ऑर्डर 2/2 दिखाई दे रहा है अपने को, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर मुझे 2/2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है, तो दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके जो एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसको कैसे बोलेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ए एंड बी आर सेम, ठीक है। बात समझ में आई, तो आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक मान लो एक मैट्रिक्स ए है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम बाय एन, और एक मैट्रिक्स बी है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एम बाय एन और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है पी बाय क्यू, तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए, ए और बी दो इक्वल होने के लिए इनके पहले ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही हम बोलेंगे कि वो दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है, ओके ओके। चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देखो क्या बोला गया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और हमें किसके वैल्यू फाइंड आउट करने ए बी सी एक्स वाई जेड की, ठीक है। अब बात ये कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और इनका ऑर्डर भी सेम होगा। ऑर्डर तो हमें दिखाई दे रहा है सेम है करके, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इसका मतलब x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 0 के बराबर में। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी x आ जाएगा -3। चलो x फाइंड आउट हो गया। उसके बाद फिर z प्लस 4 की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 6 के बराबर में। तो z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। z की वैल्यू आ जाएगी 2। देन उसके बाद 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2 के बराबर में। सो 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2 के बराबर में। तो क्या करें, क्या करें, 2y को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 2y जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 3y-2y y होगा और -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो चलो x y z की वैल्यू तो आ गई। देन उसके बाद a-1 और -3 इक्वल होंगे, तो a-1 ये बराबर में होंगे -3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, a की वैल्यू -2। देन उसके बाद यहाँ से देखो 2c+2 की वैल्यू 0 के बराबर में होगी, 2c+2 की वैल्यू किसके बराबर में, 0 के बराबर में, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और उसके बाद अब क्या बचा, फिर हम बोल सकते हैं कि b-3 की वैल्यू 2b+4 के बराबर में, तो b-3 इज इक्वल्स टू 2b+4 के बराबर में, ठीक है। देन क्या करें, अब b को उधर शिफ्ट करते हैं, 4 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो b उधर जाएगा तो 2b-b हो जाएगा, यानी b 4 इस साइड आएगा तो -4, यानी कि -7। तो ये रहेगी आपकी a b c x y z की वैल्यू। तो ये जो एग्जांपल है किस पे बेस्ड था, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे बेस्ड था, ठीक है, ओके ओके। तो अब तक जितना हमने थ्योरी और कंसेप्ट देख लिया उसके बेस पे आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला, इन दी मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स दिया है, पहला बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो
फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑर्डर यानी क्या, ऑर्डर m बाय n होता है, m मतलब क्या नंबर ऑफ रोज और n मतलब क्या नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का ऑर्डर कितने रो है, इसमें रो है 3 और कितने कॉलम है, इसमें कॉलम है 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/4। सेकेंड इसमें क्या बोला गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको पता करना है तो 3 × कर दो, 3 × 4 कितना होता है 12, तो 12 एलिमेंट आ जाएंगे, आप देख सकते हो कि 12 एलिमेंट है इसमें। तीसरे इसमें क्या बोला गया, राइट द एलिमेंट A13, A13 का क्या मतलब है, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट 19, तो A13 हो गया 19। उसके बाद A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 35। फिर A24 का मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यह आ जाएगा 12। और A23 का मतलब क्या, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने को कुछ बेसिक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखा है ना तो ये सेकंड क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बता सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, बोला यहाँ इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब एक आपको क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स आपके पास 24 एलिमेंट है और आपको उसको मैट्रिक्स में ना अरेंज करना है, तो आपके पास कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ये इसका सिंपल मीनिंग है। मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब यही बोलना चाहते हैं ना कि कितने डिफरेंट मैट्रिक्स आप बना सकते हो अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स है तो। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बस ये सोचना है कि जो 24 है इसको मैं कौन से दो नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और वो दो नंबर होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो पहला मैट्रिक्स बन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि 24 × 1 ये पहला हो सकता है। सेकंड होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 × 24, मतलब एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 24 × 1 का मतलब 24 रो बनेंगे और एक ही कॉलम बनेगा, मतलब ये एक बनेगा कॉलम मैट्रिक्स, ये एक रो बनेगा और 24 कॉलम्स बनेंगे, यानी कि एक रो मैट्रिक्स है। और कैसे कैसे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 24 को, और कैसे कैसे दो नंबरों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये सोचना है, और वो दो नंबर कैसे होने चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए। एक ऑर्डर ये बनेगा कि 12 × 2 = 24, यानी कि 12 रो होंगे दो कॉलम होंगे। एक ऑर्डर ये भी बन जाएगा 2 × 12, ठीक है। फिर और एक ऑर्डर बनेगा 8 × 3 = 24 होता है। एक ऑर्डर ये भी बन जाएगा फिर कि 3 × 8, ठीक है ना, 3 × 8। एक 6 × 4 भी बनेगा, 6 × 4 = 64, एक ऑर्डर ये भी बन जाएगा 6 × 4, क्योंकि 6 × 4 = 24 होते हैं। तो फिर एक ऑर्डर ये भी बनेगा कि 4 × 6, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, क्या और कोई पॉसिबिलिटी, और कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, इतने तो बनेंगे, ये तो क्लियर हो गया, क्या और भी आप बता पाओगे कि आप 24 को ऐसे दो नंबर, हाँ लेकिन वो दो नंबर क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे सारे दो नंबर्स नेचुरल नंबर है और उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 24 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, अब वॉट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर मेरे पास 13 एलिमेंट है तो मैं कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो एक ऑर्डर तो हो जाएगा 13 × 1, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका ऑर्डर रहेगा 1 × 13, क्या और कोई दो नंबर आप सोच पाओगे, दो नेचुरल नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 13 आ जाए, नहीं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो बस आपको सोचना क्या है कि आपके पास जो एलिमेंट्स है उसको दो नंबरों में ब्रेक करो, लेकिन वो दो नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन 24 आना चाहिए।
ठीक है। तो हमने इतने पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर लिए, और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? ठीक है, नहीं है। अब आते क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री भी क्वेश्चन नंबर टू के जैसा ही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें अब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। 18 एलिमेंट्स है, कितने ऑर्डर बनेंगे? तो पहला एक बन जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। एक तो आप बता सकते हो कि 18 इंटू वन ये एक हो जाएगा, और 1 इंटू 18 ये दूसरा हो जाएगा, फिर 2 इंटू 9 ये हो जाएगा, फिर 9 इंटू 2 ये एक हो जाएगा, फिर 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। क्या और कोई दो नंबर सोच पा रहे हो जिनका मल्टीप्लीकेशन, नेचुरल नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 18 आए? ठीक है, नहीं है। देन उसके बाद क्या बोला, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर उसके बाद क्या बोला, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, तो सेकंड, अगर आपके पास 5 ही एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 इंटू 5 और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 1। तो दो ही मैट्रिक्स बनेंगे, 1 इंटू 5 जिसका ऑर्डर होगा, 5 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी करके। ठीक है ना, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2x2, हुज एलिमेंट्स आर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीन मैट्रिक्स अपने को तैयार करना है ऑर्डर 2x2। तो 2x2 मैट्रिक्स पहले एक बना लेते हैं हम। 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 का मतलब दो रो और दो कॉलम होने चाहिए, यानी कि A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले देखते हैं कि A11 कैसे फाइंड आउट करें। तो ए आई जे कितना दिया, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे आई के वैल्यू कितने, 1, जे के वैल्यू कितने, 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2, 2, तो A11 हो गया 2। फिर A12, तो आई की वैल्यू 1, 2, जे की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, ये हो गया 9 बाई 2। फिर A21, तो A21 भी कितना आएगा, 9 बाई 2 आ जाएगा। और A22, तो 2 प्लस 2, 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 8। तो ऐसे चार एलिमेंट्स आ गए। तो मैट्रिक्स ए आप बता पाओगे फिर आसानी से, A11 कितना आ गया 2, A12 कितना आ गया 9 बाई 2, A21 कितना आ गया 9 बाई 2 और A22 कितना आ गया 8। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ओके, सेकेंड इस पे आते हैं। यहाँ पे भी हमें वही करना है ना, 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करना है। A11, A12, A21, A22, ये 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। तो A11 कैसे निकालोगे, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो 1x1, 1x1 तो 1 होता है। A12 कैसे निकालोगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1x2। A21 कैसे निकालोगे, A21, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2x1 कितना 2। A22 कैसे निकालोगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2x2 1। तो ये रहेगा हमारा मैट्रिक्स ए, A11 1, A12 1x2, A21 2, A22 1। ये मैट्रिक्स ए आ गया आपका। ओके, थर्ड इस पे आता है। A11, A12, A21, A22। ओके, सो A11, A11 मैं कैलकुलेशन ओरली कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो। I के वैल्यू 1, J के वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 हो जाएगा, 9 बाई 2। A12, I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 आ गया। फिर A21 कैसे निकालोगे, I के जगह 2 और J के जगह 1, तो कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 8। ठीक है, और अब यहाँ पे A22 निकालना है। तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, देखो 2 इंटू 2, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2, 18। तो मैट्रिक्स A आपको मिलेगा 9 बाई 2, 25 बाई 2, 8 और 18। तो ये रहेगा आपका मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा है कि इस टाइप के मैट्रिक्स अगर बनाने की जरूरत गिरी तो कैसे बनाते। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले वो देखें, फिर ही आप इसको करने जाओगे ना, तो बहुत आसान लगेगा आपको फिर। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम 4 हो, हुज एलिमेंट्स आर, ठीक है ना। फर्स्ट वाला पार्ट दिया है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मॉड -3i+j। तो पहले एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x4 का, ठीक है ना। 3x4 का मतलब 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो A11, A12, A13, A14 एक रो और 4 कॉलम होगा। सेकेंड रो A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा जनरल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3x4। अब हमें बस ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए ए आई जे हमें दिया 1/2 मॉड ऑफ -3i+j। तो मैं पहले निकालना में इंटरेस्टेड हूँ वो A11, पहले A11 निकालते हैं। तो i के लिए 1, j के लिए 1, तो i के लिए 1 रखने पे -3, j के लिए 1 रखना, तो -3 + 1 -2, -2 का मॉड 2, 2 × 1/2 तो 1, तो A11 आ गया 1। फिर A12, आई की वैल्यू 1 तो ये हो गया -3, जे की वैल्यू 2, -3 + 2 -1 का मॉड 1, 1 × 1/2 1/2 हो गया। देन A13, आई की वैल्यू 1 तो -3 हो गया, जे की वैल्यू 3 तो -3 + 3 0, 0 का मॉड 0 यानी रिजल्ट आ जाएगा 0। और फिर A14, ठीक है, A14, i की वैल्यू 1 तो -3, j की वैल्यू 4, -3 + 4 1, 1 का मॉड 1, 1/2, ठीक है A11। अब A21, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2 तो -6, j की वैल्यू 1 तो -5 का मॉड 5, 5/2, फिर आ गया 5/2। फिर A22, i की वैल्यू 2 तो -6 प्लस j की वैल्यू 2 -6 + 2 -4 का मॉड 4, 4 × 1/2 तो 2 आएगा। फिर A23, आई की वैल्यू 2 तो -6, आई की वैल्यू 2 -6, जे की वैल्यू 3 -6 + 3 -3 का मॉड 3, 3/2। और फिर A24, आई की वैल्यू 2 तो -6 + 4 -2 का मॉड 2, 2 × 1/2 1, A24 भी आ गया। फिर आते A31, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 × 3 9, -9 + 1 -8 उसका मॉड +8 1/2 तो 4। फिर A32, आई की वैल्यू 3 तो -9 + 2 -7 उसका मॉड 7 तो 7/2। फिर A33, आई की वैल्यू 3 तो -9, जे की वैल्यू 3 -9 + 3 -6 उसका मॉड +6 × 1/2 तो 3 हो जाएगा। फिर A34, ठीक है ना, A34, आई की वैल्यू 3 तो -9 + 4 -9 + 4 कितना होगा -5, -5 का फिर मॉड +5 यानी कि 5/2। तो सारे एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो अब ए मैट्रिक्स हम लोग बता सकते हैं A11, फिर 1/2, फिर 0 और फिर 1/2, ठीक है। फिर ये 5/2, 2, 3/2, फिर 1 और ये 4, 7/2, 3, 5/2, ये रहेगा हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, सिर्फ जो कंडीशन हमें दी है उसको पुटअप करो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, अब बताते क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। इस बार एलिमेंट की कंडीशन क्या दी है, Aij = 2i - j। अगेन एक मैट्रिक्स ए बना लेते जिसका ऑर्डर 3x4 होना चाहिए। तो A11, A12,
A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33 और A34। एक मैट्रिक्स हमने बना लिया जिसका ऑर्डर 3x4 होगा। अब इंडिविजुअली ये सारे एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो A11, सो I1J1, तो IQL1 रखने पे 2, JQL1 रखने पे फाइनल रिजल्ट 1 आएगा। A12, सो IQL1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। फिर A13, IQ वैल्यू वन, तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3, -1। और फिर A14, IQ वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, -2। फिर A21, IQ वैल्यू 2, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 1, 3 हो जाएगा। फिर A22, IQ वैल्यू 2, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा। फिर A23, IQ वैल्यू 2, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 3, 1। और A24, IQ वैल्यू 2, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0। फिर A31, IQ वैल्यू 3, 3 इंटू 2, 6, 6 माइनस 1, 5। फिर A32, IQ वैल्यू 3, 3 इंटू 2, 6, 6 माइनस 2, 4। फिर A33, ये आ जाएगा 3। और A34, ये आ जाएगा 2। देख लो आप, 3 इंटू 2, 6, 6 माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से सारे एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें पुट अप कर देते। सो A11, 1, 0, -1, -2। फिर ये 3, 2, 1, 0। और फिर ये 5, 4, 3, 2। तो ये रहेगा आपके फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्या बोला गया, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये जो 4 है ये किसके बराबर में होगा, वाई के बराबर में, यानी वाई की वैल्यू आ गई 4। ये जो 3 है ये जेड के बराबर में होंगे, यानी जेड की वैल्यू आ गई 3। एक्स की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 1 के, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, इक्वल इक्वलिटी का कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल में रहेगा, 6 के। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, उसके बाद 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ओके, सो 5 प्लस जेड की वैल्यू अगर 5 के बराबर में, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ओह सॉरी, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक्स इंटू वाई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8 होगी। सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आप क्या कर लो, आप किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी, 8/y। एक्स के लिए 8/y, इस एक्स के वैल्यू को यहाँ पुट अप करो, ये कितना हो जाएगा, 8/y + y = 6। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको y² - 6y + 8 = 0। यानी एक क्वाड्रेटिक मिल गया। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 8 को मुझे ऐसा स्प्लिट अप करना है कि -6 आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, 4 और 2, -4 - 2। यानी वाई की एक वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 4, और y की दूसरी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2। when y is equals to 4, जब y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2, when y is equals to 2, when y is equals to 2, x is equals to 4। तो फाइनली आपको z की वैल्यू पता चल गई, और z की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देंगे। पहला कॉम्बिनेशन ये दिखाई देगा कि x = 2, y = 4 और z = 0, ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और सेकेंड कॉम्बिनेशन हमें ये दिखाई देगा कि x = 4, y = 2 और z = 0। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से निकल के आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आओगे। वैसे डिफिकल्ट जैसा इसमें कुछ है नहीं, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे
क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज़ करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन इतना तो आप कर सकते हो आई नो। ठीक है ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ही थर्ड पार्ट पे। अब तक हमारे दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल में है, तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 9 के बराबर में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक्स प्लस जेड स्केल 5 के बराबर में इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो आप क्या करो ना, इक्वेशन 1 में y x प्लस जेड की वैल्यू पुट अप कर दो 5। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस जेड की वैल्यू में 5 रख देता हूँ, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको पता चल गई 4। ठीक है, y की वैल्यू पता चल गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करो, पुट इन 3। तो 3 में जब आप पुट अप करोगे y की जगह 4, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, z की वैल्यू आ गई, इसको पुट अप करो 2 में, पुट इन 2, तो 2 में पुट अप करोगे तो z की जगह 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, दोनों दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए, तो यहाँ से हमें पता चला कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। फिर उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद 2a प्लस सी, 2a प्लस सी 5 के इक्वल में आएगा, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। और 3c प्लस डी ये 13 के इक्वल में आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 को दे दिया। अब ध्यान से देखो और कैसे सॉल्व करना है ये सोचो। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से देखो, आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, और इक्वेशन 2 क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो a माइनस 2a माइनस ए आएगा, प्लस b माइनस b तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं, पुट इन 1, तो 1 a की वैल्यू माइनस 1 को पुट अप किया, तो 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई। इसी b की और या फिर a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट अप करो, हाँ a की वैल्यू 1 इक्वेशन 3 में पुट अप करो, a इज इक्वल टू 1, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट अप करते a की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 को शिफ्ट किया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब उसी c की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट अप कर दो, पुट इन इक्वेशन 4, 3 पुट अप किया, 3 सा 9 को शिफ्ट किया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इस तरीके से आपके ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, A1 मिला, B2 मिला, C3 मिल गया और D4 मिल गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ओके। क्वेश्चन नंबर 8 MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अ मैट्रिक्स ए दिया है, M^2 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अच्छा, वो क्या बोला जाता है कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो हमें तो पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब M और N इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, देन आगे क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक, अच्छा मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, उन्होंने ये पूछा है हमें कि एक्स के कौन सी वैल्यू इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बना दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते कि ठीक है ये दो मैट्रिक्स इक्वल, ऐसा मान लिया हमने। तो ऐसा मानने के बाद ये पता चलेगा कि 3x प्लस 7 की वैल्यू किसके बराबर में आएगी, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चलेगी -7/2, तो x की वैल्यू तो आ गई -7/2। ठीक है, 5 को इक्वेट किया y माइनस 2 के साथ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझते जाओ, जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे x की वैल्यू -7/2, तो -7/2 तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
ठीक है, एक्स के लिए माइनस वन बाई टू आ गए, वाई के लिए सेवन आ गए। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लो, आगे देखो वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू एट आ गया, तो वाई प्लस वन अगर एट है तो वाई के लिए कितनी आ रही है, वाई के लिए आ जाएगी सेवन, ठीक है ओके। अच्छा टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स को अगर माइनस फोर के साथ इक्वेट किया जाए, टू माइनस थ्री एक्स को अगर फोर के साथ इक्वेट किया जाए तो कितना आएगा, ये माइनस थ्री एक्स उधर गया प्लस थ्री एक्स इधर आ गया तो माइनस टू, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिली, माइनस टू बाई थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस टू बाई थ्री, ठीक है बात समझ में आ गई। लेकिन क्या ये कहीं मैच हो रहा है क्या, नहीं कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है तो इसका तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आप इन दो की पेयरिंग को समझ पाओ तो एक्स के लिए माइनस सेवन बाई टू तो है ही नहीं कहीं, और वाई के लिए सेवन, वाई के लिए सेवन चलो ठीक है, और एक्स के लिए माइनस टू बाई थ्री, तो बस ये मत समझ लेना कि ये दो पेयरिंग तो यहाँ पे दिखाई दे रही है तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इसको एक्स के साथ इक्वेट किया तो एक्स के लिए कितनी आ गई, माइनस सेवन बाई टू, तो वही माइनस सेवन बाई टू इसको इसके साथ इक्वेट करने पे आना चाहिए था, मतलब यहाँ से जो एक्स के लिए मिली है वो दोनों बार सेम मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पे जैसे वाई के लिए देखो दोनों बार सेम मिली है लेकिन एक्स की वैल्यू एक बार माइनस सेवन बाई टू मिली और एक बार माइनस टू बाई थ्री मिली है, तो इसका मतलब दोनों जगह पे एक्स के लिए सेम नहीं होगी, एक्स के लिए सेम नहीं होगी, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फाइंड आउट करना एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट करना पे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों हमने ये क्यों नहीं लिया, ये तो हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये क्यों नहीं लिया, अगर मान लो आप ये सोच रहे हो तो फिर ये तो गलत हो गया ना, यहाँ से एक्स क्यू माइनस सेवन बाई टू कैसे आ सकती है, बात क्लियर कर पा रहे हो ओके। क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन को देखो, क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना आपको डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री, मतलब अपने को ये बताना है कि थ्री बाय थ्री ऑर्डर के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं विथ ईच एंट्री जीरो और वन, जिसकी हर एक एंट्री जीरो या वन होगी। अब थ्री बाय थ्री का क्या मतलब है, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, इसमें नौ एलिमेंट आएंगे, थ्री बाय थ्री का मतलब तीन रो तीन कॉलम, तो कितने एलिमेंट आएंगे, नौ एलिमेंट आएंगे। तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे आप पहली पोजीशन पे या तो जीरो रख सकते हो या तो वन रख सकते हो, क्या रख सकते हो, जीरो या वन। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, फिर मैं जीरो रख सकता हूँ या तो फिर वन रख सकता हूँ, तो मेरे पास पहली प्लेस को फिल करने के दो तरीके हैं, दूसरी प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, वो भी दो ही प्लेस है मेरे पास, अब कितने तरीके हो गए, चार तरीके हो गए इन दोनों को फिल करने के लिए, तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, दो, क्योंकि आप वो क्या बोलना चाहते हैं, या तो आप जीरो रख सकते हो या तो आप वन रख सकते हो, तो अगर जीरो रख सकता हूँ तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर वन रख सकता हूँ तो और एक मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हमें वही तो देखना कि कितने मैट्रिक्स में बना सकता हूँ, तो इसको भी मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूँ, वैसे इसको भी दो तरीके से, तो ऐसे टू कितने टाइम्स आएगा, नाइन टाइम्स आ जाएगा, तीन तीन छः और तीन, यानी ये बना टू टू दी पावर नाइन, और टू टू दी पावर नाइन कितना हो जाएगा, फाइव वन टू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल था अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखो तो, ठीक है। तो आज हमारी क्या होगी, आज हमारी यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, आई होप कि आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर क्लियर वे में सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सारे न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करना है और देखना है कि क्या जितने आसानी से मैंने आपको सॉल्व करा दिया क्या उतने ही आसानी से आप खुद कर रहे हो क्या इसको देखने के बाद, बट हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना ही है, ओके ठीक है। आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे मैट्रिसेस में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूट के हो चाहे अपने इंस्टीट्यूट के ना हो, उनको वीडियो शेयर करो, उनके फॉरवर्ड करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है ओके।